अब बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की। श्रीराम फाइनेंस में आज शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से स्टॉक थोड़ा सा हल्का हुआ है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वैसे चौथी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे साबित हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो ब्याज से आय में करीब 20% का इजाफा, मुनाफा 49% बढ़कर आया, एसेट क्वालिटी में सुधार है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2-year high पर है, 9% पर आए हैं। एमएसएमई, पैसेंजर व्हीकल, सीवी बिजनेस में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। तो यहां से आगे का FY25 के लिए आउटलुक क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर जी जुड़ गए हैं। उमेश जी स्वागत है आपका, कंग्रेचुलेशंस, अनदर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। अक्रॉस सेगमेंट्स ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सबसे पहले मैं मार्जिन पर आपकी राय लेना चाहूंगी सर। ये 2-year high पर आए हैं, क्या 9% प्लस मार्जिन FY25 में बरकरार रखने के लिए आप कॉन्फिडेंट है? हाँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी हमारा ऑल टाइम हाई है 9%। ये बेटर प्रोडक्ट मिक्स का वजह से हो गया है। पोस्ट मर्जर हमारा प्रोडक्ट एलोकेशन और प्रोडक्ट सिलेक्शन वो भी थोड़ा साइंटिफिक हो गया, और हमने ज्यादा फोकस किया है हाई यील्डिंग प्रोडक्ट पे, स्पेशली एसएमई, एमएसएमई लेंडिंग प्लस पैसेंजर व्हीकल एंड गोल्ड लोन, ये तीनों सेगमेंट में थोड़ा मार्जिन ज्यादा है। वो हम पोस्ट मर्जर एक अक्रॉस दी ब्रांचेस हमारा क्रॉस सेलिंग अच्छा हो गया है, इसके वजह से मार्जिन बढ़ गया है। तो ये 9% के ऊपर फिर FY25 में भी आप रख पाएंगे उमेश जी? हाँ, अभी तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सब ब्रांच में ज्यादा हो रहा है, डेफिनेटली हम मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में, रूरल सेगमेंट्स में क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, अगर आप उसका अंदाजा दे सके, क्योंकि आपकी कंपनी वहां पर कई सारे अलग अलग लोन्स को सर्विस करती है, इसमें व्हीकल लोन्स है, वो सेकंड हैंड लोन्स भी है, वहां से इस समय क्या फीलर्स मिल रहे हैं? नहीं, रूरल इकोनॉमी लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ रूरल एरिया में इज मोर देन 20%, और हमारा प्रोडक्ट्स स्पेशली टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर, ये दोनों सेगमेंट ने अच्छा किया है, और डिमांड फॉर टू व्हीलर दी एग्री इकोनॉमी में ज्यादा है, स्पेशली यूपी, एमपी, बिहार एंड इंटीरियर महाराष्ट्र में अच्छा डिमांड आ गया है टू व्हीलर के लिए, और अच्छा एक रोड नेटवर्क बिल्डअप होने से इवन पैसेंजर व्हीकल के लिए भी डिमांड अच्छा हुआ है, स्पेशली इन रूरल सेगमेंट। तो ओवरऑल रूरल सेगमेंट में क्रेडिट डिमांड बहुत अच्छा है, स्पेशली द ट्रैक्टर डिमांड, स्पेशली सेकंड हैंड ट्रैक्टर एंड सेकंड हैंड कमर्शियल व्हीकल, दोनों का डिमांड बहुत अच्छा है। ओके, तो ये इनफैक्ट बहुत अच्छे साइंस है कि रूरल इकोनॉमी में डिमांड पिकअप होने लगी है। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पर्सनल लोन्स में कुछ कमी आई है, तो ये प्रोडक्ट मिक्स बदला है इसीलिए वो कमी देखने को मिली, या फिर इसमें कुछ और कारण रहेगा उमेश जी? हमने हमारा पर्सनल लोन हम सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को देते हैं, ये हमारा पॉलिसी है। उसमें हम थोड़ा क्रेडिट रूल इंजिन हमारा थोड़ा हमने टाइट किया है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द कस्टमर, क्योंकि ये पीपल हु ऑलरेडी रीपेड द लोन उनको हम पर्सनल लोन ऑफर करते हैं, और उसमें हम थोड़ा क्रेडिट रूल इंजिन थोड़ा टाइट करने से ऑफरिंग थोड़ा हमने कम किया और टाइट किया है। ओके, कॉस्ट ऑफ फंड्स की सिचुएशन कैसी रहेगी FY25 में, क्या अंदाजा लग रहा है? क्योंकि 24 वाले साल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी थी, लेकिन इन द न्यू फिस्कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उमेश जी? हमारा अंदाज है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 दिस फाइनेंशियल ईयर थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट कम होना चाहिए, और इसका वजह से इंटरेस्ट द लायबिलिटी सिचुएशन विल बी मच बेटर, सो लिक्विडिटी भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम होगा। लास्ट ईयर इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ओवरऑल एक लिक्विडिटी सिचुएशन भी टाइट था, और इवन द इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया था, इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और ईयर ऑन ईयर हमारा कॉस्ट 20 basis points पे हमने कंट्रोल किया था लास्ट ईयर के लिए। दिस ईयर मुझे ये ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बढ़ेगा, सो वी विल बी एबल टू मेंटेन एट करंट
liability cost or maybe little reduce in the second half of the financial year, depending upon the RBI actions. Okay. मैं फाइनली आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. सर, ईयरली बेसिस पर हमने 21% की ग्रोथ देखी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इट्स ओनली बीन 5%. तो FY25 के लिए क्या कोई टारगेट है जो आप अचीव करना चाहेंगे और क्या लीड करने वाला है इस AUM ग्रोथ को? हमने एक 15% का गाइडेंस दिया था, हम वो मेंटेन करने के लिए कोशिश करेंगे. फिर भी फर्स्ट टू मंथ्स स्पेशली बिकॉज ऑफ द इलेक्शन थोड़ा बहुत स्लो डाउन चलेगा. एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें तो लास्ट दो साल में इट इज लेड बाय द गवर्नमेंट कैपेक्स, द गवर्नमेंट स्पेंड. अभी ये दो महीने में इलेक्शन की वजह से थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंड में स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि the government machinery is involved in election. So, इसका वजह से मुझे लगता है कि first quarter थोड़ा slow रहेगा credit growth, और maybe the second half of the year will be good. So, overall we'll be able to maintain 15%. उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, and good luck for FY25, sir. तो कमेंट्री एकदम मजबूत, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है और मार्जिन्स 9% प्लस होल्ड करने की पूरी पूरी क्षमता रखता है ये NBFC, ये कंपनी का भरोसा. एक जो बड़ा हाईलाइट मेरे लिए है वो है ग्रामीण इलाकों से टू व्हीलर में पिकअप देखने को मिला है. टू व्हीलर लोन्स में वहां पर डिमांड बेहतर है और सेकेंड हैंड ट्रैक्टर, सेकेंड हैंड CV व्हीकल्स में भी एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है. ये एक अच्छा संकेत है बाकी इकोनॉमी के लिए भी. लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारे तीन जानकार एक एक और ट्रेड जोड़ने वाले हैं, उस पर होगी बातचीत. आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ.